फ्रक्टोज, फ्रक्टोज की संरचना के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे। इसका बना रहे हैं हेमी की टेल। तो हेमी की टेल बनाने के लिए सी डबल बॉन्ड ओ, और उसके बाद जो हाईलाइट किया है यानी कि 5 नंबर कार्बन, उसका ओएच समूह को हम पार्शियली पोलराइज कर लेंगे। तो सी डबल बॉन्ड ओ को हमने पोलराइज किया, ध्रुवित किया, और उसी के साथ 5 नंबर के कार्बन के ओएच को ध्रुवित कर लेंगे। और इसके बाद सी एच टू ओएच जो कार्बन नंबर एक है उसको हम थोड़ा लेफ्ट साइड में शो करेंगे, और सी डबल बॉन्ड ओ का पाई बॉन्ड ब्रेक किया, 2 सिग्मा बॉन्ड, और फिर कार्बन कार्बन चेन लिखेंगे। अब इस ऑक्सीजन पर हम 5 नंबर कार्बन के ओएच को जो ध्रुवित कर रखा है उस एच को हम ऐड कर देंगे, और उसके बाद ऑक्सीजन के साथ कार्बन कार्बोनिल कार्बन, और फिर हम उसका जो भी ओएच का विन्यास है उसको शो कर देंगे। ये ध्यान रखें कि जब भी आप ग्लूकोज की सॉरी फ्रक्टोज की संरचना बनाएं तो पहले सी एच टू ओएच, फिर सी डबल बॉन्ड ओ, फिर कार्बन कार्बन की आप स्केलेटन बनाएंगे। टोटल कार्बन 6 कार्बन होंगे। इसमें 3 नंबर कार्बन है उसमें ओएच लेफ्ट में, एच राइट में, इसी प्रकार नेक्स्ट का एच लेफ्ट ओएच राइट, नेक्स्ट एच लेफ्ट ओएच राइट, और लास्ट में सी एच टू ओएच। इसको तुम ऐसे भी याद रख सकते हो कि 5 नंबर कार्बन का एच लेफ्ट में रहेगा ओएच राइट में, 4 नंबर वाला भी यही स्थिति रहेगी, एच लेफ्ट में ओएच राइट में, लेकिन 3 नंबर वाला ओएच लेफ्ट में एच राइट में हो जाएगा। नेक्स्ट है। अब यहां पर जो सी एच टू ओएच शो किया गया है उसके कारण से इसको हम एल्फा कहेंगे, तो इसका नाम करेंगे एल्फा डी फ्रक्टोस। इसी प्रकार अब हम ये जो कार्बन नंबर एक है, इस कार्बन नंबर एक में जो सी एच टू ओ एच है वो लेफ्ट में है, ओ एच राइट में है, तो ये कार्बन क्रियल हो गया। अब ये कार्बन क्रियल होते ही इसके दो अपने को एनोमर मिलेंगे, एक तो एल्फा एक बीटा। एल्फा कौन सा होगा कि इस कार्बन पर सी एच टू ओ एच अगर लेफ्ट में है तो एल्फा, तो ये एल्फा आएगा, और अगर हम इस कार्बन का ओरिएंटेशन या विन्यास चेंज कर देंगे यानी सी एच टू ओ एच को तो राइट में कर दें और इस ओ एच को लेफ्ट में कर देंगे, तो ये जो नया एनोमर बनेगा वो होगा बीटा डी फ्रक्टोस जो यहां पर हम बना रहे हैं। देखिए तो इस कार्बन को स्टार कर दिया क्योंकि किरियल कार्बन है। अब इस किरियल कार्बन में ओ एच को लेफ्ट में किया और सी एच टू ओ एच को राइट में कर दिया। उसके बाद जैसा स्ट्रक्चर में देख रहे हो सेम स्ट्रक्चर हम बना देंगे। तो ये हेमी एसिड कीटेल बन गया क्योंकि कीटोन से बना ना, तो ये हेमी कीटेल है। इसको हम बीटा डी फ्रुक्टोज क्यों कहेंगे क्योंकि यहां पर जो ओएच ग्रुप है वो लेफ्ट में, इसलिए इसको बीटा डी फ्रक्टोस कहेंगे। अब इसकी हम वलय संरचना बनाएंगे, तो वलय संरचना में इस प्रकार ये होती है फ्यूरीन। इसको दोबारा बना सकते हैं अपने, इसमें कार्बन टोटल 4 है, एक ऑक्सीजन है, 5
मेंबर यानी 5 सदस्यीय वलय है ये, इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो। अब यहाँ कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 या 1, 2, 3, 4, तो इस प्रकार आप कार्बन नंबर शो कर सकते हैं। तो 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन, इसको हम कहते हैं फ्यूरीन रिंग। इस फ्यूरीन रिंग को हम लिखने के बाद प्रत्येक कार्बन पर 2-2 वैलेंसी कर देंगे। और ध्यान रखें कि OH, OH, H, ये जो ग्रुप हैं वो लेफ्ट में हैं, CH2OH, H, OH ये राइट में हैं। तो जो ग्रुप लेफ्ट में है उसको हम अप कंडीशन में शो करेंगे, यहाँ पर, यहाँ पर। और राइट हैंड साइड में जो ग्रुप है उसको डाउन कंडीशन में। तो जैसे कार्बन नंबर हम पहले शो करेंगे, कार्बन नंबर 1, इसमें OH लेफ्ट में, तो OH को अप दिखा देंगे और CH2OH को डाउन शो कर देंगे। इसी प्रकार कार्बन नंबर 2 में OH अप, H डाउन। अब ध्यान रखना है अपने को कि लास्ट कार्बन ये, इस लास्ट कार्बन में हमेशा एक बात ध्यान रखनी है कि CH2OH को ऑलवेज अप शो करना, यानी कि यहां शो करेंगे और इस H को डाउन शो करेंगे। देखिए तो इस CH2OH को ऑलवेज हमेशा अप साइड और एच को डाउन। इस प्रकार ये जो स्ट्रक्चर बनी है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, बीटा डी फ्रुक्टो फ्यूरेनोस। तो फ्यूरेनोस नाम क्यों दे रहे हैं इसका, क्योंकि ये फ्यूरेन रिंग से बनी है। तो बीटा डी फ्रुक्टोस फ्यूरेनोस। इसी प्रकार अल्फा डी फ्रुक्टोस फ्यूरेनोस के लिए हम एक ट्रिक्स भी यूज कर सकते हैं। कैसे, कि यहां पर देखो सेम चलेगा, CH2OH अप, H डाउन। उसके बाद H जो यहां पर डाउन, तो यहां पर H अप, OH डाउन। उसके बाद यहां OH अप, H डाउन। अब बात है यहां कार्बन नंबर 1 की। तो कार्बन नंबर 1 पर जब भी आप ग्रुप शो करें तो ये देखना कि अल्फा या बीटा है। अगर ये अल्फा है तो OH को नीचे रखें और CH2OH को अप रख दें। तो अल्फा डी फ्रुक्टोस और बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरनोस में केवल कार्बन नंबर वन का ही विन्यास परिवर्तित है। अतः इस कार्बन को, यानी कार्बन नंबर इस 2 को हम एनोमर कार्बन कहते हैं। तो अल्फा और बीटा फॉर्म में केवल कार्बन नंबर 2 का ही अभिविन्यास का अंतर है। तो अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म को हम एक साथ एनोमर नाम देंगे, फ्लिपिंग। अब ये क्या होती है, देखो जब भी हम फ्लिपिंग करवाएंगे तो इसके पीछे एक मजेदार लॉजिक होगा। तो सबसे पहले हम अल्फा या बीटा, तो अल्फा फॉर्म लिख रहे हैं। अब इसकी फ्लिपिंग करानी है तो कैसे करवाएंगे, देखिए फ्लिपिंग के लिए सीधा सा रूल है, पहले आप नंबरिंग कर लें।
तो कर्म नंबर एक दो एक कर्म नंबर ये, दो नंबर ये, तीन नंबर, चार नंबर, पांच नंबर और छह नंबर। तो यहां पर जो ग्रुप अप कंडीशन में नजर आ रहा है आपको, उसको अप लिख दें एक बार। तो ये सभी अप वाले हैं, यानी कि अप कंडीशन में। ये तो चले जाएंगे डाउन में, और डाउन वाले आ जाएंगे अप कंडीशन में। और जो ये साइड है राइट साइड, वो लेफ्ट में चली जाएगी, लेफ्ट वाली राइट में। कैसे, इसको देखें। तो पहले नंबरिंग किया, अब इस रिंग को हम दोबारा बना रहे हैं, और दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, ये जो कार्बन है इसको हम अब लेफ्ट में ले आते हैं। तो ये एक नंबर, दो नंबर जो भी हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, अब नंबरिंग हम ऐसे कर लेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। ध्यान रखें कि दो नंबर कार्बन यहाँ पर आ गया है, और ये जो ग्रुप है ये अप वाला डाउन में आ गया, डाउन वाला अप में। तीन नंबर यहां पर आ गया, अप वाला डाउन में, डाउन वाला अप में आ जाएगा। देखिए, तो इस तरह नंबरिंग कर ली। तीन नंबर कार्बन देखो ध्यान से, तीन नंबर कार्बन, फिर चार हो गया, वो डाउन है, वो अप, अप और डाउन ग्रुप बन गया। इस प्रकार फ्लिपिंग करवाएंगे।